बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केलेटल सिस्टम आज हमारा टॉपिक है जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीएसएन में है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है। अगर हम देखें तो ये जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो ये जो सेंट्रल एक्सिस पे आ रहा है हमारे पास, ये है स्केलेटल सिस्टम, इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल, ए एक्स आई ए एल, एक्सियल का मतलब एट द सेंट्रल एक्सिस। और दूसरा जो है जो पेरिफेरी पे, जैसे कि अगर आप ये देखें ये पेरिफेरी है, ये इसको हम जहां पे अपेंडिजेस होती हैं इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो यहां से ये हो गया और यहां से ये जितना भी हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है ये हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के ये दो पार्ट्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में हम स्टार्ट करेंगे स्कल से। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली एक्सियल स्केलेटन में दो चीजें आती हैं। एक आती है आपके पास स्कल, ठीक है, और दूसरी आपके पास आती है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो आपके पास है ये एक्सियल स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास अपेंडिजेस हैं, जैसे कि हमारे पास लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, इसके साथ साथ ये जो गिर्डल्स हैं, इसको ये जो गिर्डल है इसको पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, और ये जो हमारे पास है इसको पेल्विक गिर्डल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल से। स्कल को हम क्रेनियम कहते हैं। ये एट बोन्स की बनी हुई है। एट बोन्स कौन सी? पहले पहले तो एक फ्रंटल, फिर पेराइटल ऊपर, फिर टेम्पोरल नीचे, और पीछे ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। इसके अलावा एक होती है एथमोइड, जो यहाँ पे प्रेजेंट है स्कल के साथ, और स्फिनोइड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये टोटल आठ बोन्स है। इनको हम इस तरह याद रखते हैं कि स्टेप ऑफ, एस टी ई पी, स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ क्या मतलब? स्फिनोइड, टेम्पोरल, एथमोइड, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। तो ये स्टेप ऑफ से हमें आठ ड्रग्स ऑफ द आठ बोन्स ऑफ द स्कल इस तरह से याद होती हैं। फिर आती है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स क्या है? वो टोटल 14 बोन्स हैं। इनको याद रखने के लिए हम यूज करते हैं विन, फिर एम एम प्लीज। ये इसका निमोनिक है जिसके थ्रू हम इसको याद करते हैं। अब देखा जाए तो इसकी 14 बोन्स कैसे हैं। सबसे पहली जो मेजर बोन है वो इस तरह की है, मैंडिबल, जो हमारे पास जॉ बोन होती है मैंडिबल, और मैंडिबल के ऊपर ये आई हुई है मैक्सिला। तो मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला के ऊपर ये जो बोन होती है ये आती है जाइगोमैटिक, जो कि पेयर्ड बोन है दोनों तरफ से, जाइगोमैटिक, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक। बाकी नोज के साथ है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गई लैक्रिमल यहाँ पे, फिर ये हो गई आपके पास नेजल बोन्स, फिर जो ये आपके पास है ये पैलेटाइन बोन्स, जैसे हमारी पैलेट बनती है, ओरल कैविटी के अंदर भी होती है, फिर ये आपके पास है इंफीरियर नेजल कॉन्चा, और ये आपके पास आ गई वॉमर। तो विन, एम एम प्लीज, वॉमर, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, नेजल बोन्स, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक। तो इस तरह से विन, एम एम प्लीज से ये बनती है। फिर हमारे पास जो है वर्टिकल कॉलम में देखा जाए सर्वाइकल, जो हमारे पास टोटल वर्टिब्री होती है, वैसे टोटल वर्टिब्री 33 होती है, लेकिन आप देखिए पहले 7 सर्वाइकल है कोई, फिर जो आपके पास नेक वाली है सर्वाइकल, फिर जो आपके पास 12 है थोरेसिक है, जो आपके पास चेस्ट कैविटी में होती है, फिर जो नीचे बैक पे होती है वो होती है लंबर, और फिर आपके पास आती है सैक्रम, सैक्रम की टोटल होती है 5 बोन्स, और फिर होती है स्कॉकिक्स, स्कॉकिक्स की टोटल होती है 4 बोन्स। लेकिन टोटल हो गई 33, लेकिन हमारे पास जो सैक्रम है वो इस तरह से फ्यूज नहीं है, 5 बोन्स फ्यूज है, तो 5 की जगह हम कभी कभी इसको 1 कंसिडर करते हैं, और कॉकिक्स भी सारी की सारी फ्यूज है तो उसको भी हम 1 कंसिडर करेंगे। तो अगर फिर आप टोटल कैलकुलेट करें तो टोटल 26 बन जाती है, अगर इनको आप फ्यूज कंसिडर करें। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं अपेंडिकुलर पार्ट। आपके पास जो था बेसिकली यहाँ तक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन था, तो इसके बाद आपके पास एक्सियल स्केलेटन में नेक्स्ट यहाँ पे जो साथ का अटैच है वो रिब्स अटैच होती है। टोटल रिब्स होती है 24, ठीक है, तो टोटल 24 रिब्स हो गई। तो ये जो आपके पास एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन जो हमने बात की जहाँ पे, एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल बोन्स अगर आप देखते हैं तो टोटल 52 बोन्स बनती है। अब 52 बोन्स हमारे पास टोटल बनती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास होते हैं ईयर्स, तो ईयर्स में देखा जाए तो 3 बोन्स एक ईयर्स के हैं जिनको एयर ऑसिकल्स कहते हैं, 3 बोन्स दूसरे एयर के हैं जो उसको एयर ऑसिकल, तो 3 और 3 6 बोन्स ये बन जाती है, और एक बोन यहाँ नेक पे होती है।
ठीक है। अच्छा ये तो खैर बात की बात करते हैं, तो पेक्टोरल गिर्डल की बात करें, हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पहली बात तो पेक्टोरल गिर्डल आता है। पेक्टोरल गिर्डल दो तरह की बोन से बनता है, एक तो ये क्लेविकल आ रही है और दूसरी जो बैक से बड़ी सी आती है स्कैपुला। तो यहाँ पे जो ये बड़ा सा गिर्डल बन रहा है ये दैट इज कॉल्ड एज द पेक्टोरल गिर्डल। और पेक्टोरल गिर्डल के अंदर ये हमारे पास जो आर्म की बोन है ये इस तरह से फिक्स होती है। तो इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल, जो एक क्लेविकल से बनता है और साथ साथ स्कैपुला से बनता है। फिर हमारे पास जो है पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल जो है वो बनते हैं तीन तरह की बोन से, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। ठीक है, तो ये जो आपके पास बड़ी सी बोन आ गई ये वाली दैट इज कॉल्ड एज द इलियम, फिर ये इस्कियम और ये प्यूबिस। सिमिलरली यहां से भी ये इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, लेकिन ये बोन्स आपस में फ्यूज्ड हैं, तो यहां से भी लेफ्ट साइड से भी एक बोन, यहां से भी एक बोन, क्योंकि आपस में फ्यूज्ड होती है। ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज द कॉकियक्स, जो कि वर्टिब्रल कॉलम है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्म्स की। तो आर्म्स में देखा जाए तो सबसे पहले जो आपके पास टोटल आर्म्स है, हम यहाँ से डिस्कस करें तो ये देखें, तो ये आपके पास गिर्डल हो गया, ये जो गिर्डल है। अब गिर्डल के बाद ये जो आपके पास बोन आती है दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमेरस, फिर ये आपके पास जो अंदर वाली है अल्ना और बाहर वाली होगी रेडियस। फिर जो रिस्ट होती है, रिस्ट के अंदर जो बोन्स होते हैं वी कॉल इट कार्पल्स, और जो रिस्ट के बाद वाली बोन्स होती हैं जो फाइव होती है वी कॉल इट मेटाकार्पल्स, और फिर जो हमारी उंगलियों में छोटी छोटी डिजिट्स में जो होती है बोन्स उसको हम कहते हैं फ्लैंजेस। तो अगर हम बात करते हैं कार्पल्स की, कार्पल्स टोटल कितनी एट होती है, तो एट कौन कौन सी है, सबसे पहले शुरू होती है स्कैफॉइड, फिर लुनेट, फिर ट्राइक्वेटम, पेसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। तो देखिए स्कैफॉइड, लुनेट, ट्राइक्वेटम, पेसिफॉर्म, ये तो ऊपर वाली हो गई। फिर उसके बाद आ जाए तो ये देखिए ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, इस तरह से ये बोन्स आठ बोन्स होती हैं। फिर जो ये बात क्या आपके पास है ये वाली, दीज आर कॉल्ड एज द, ये तो कार्पल्स कहलाती है, दीज आर कार्पल्स, जबकि ये फाइव जो है ये फाइव मेटाकार्पल्स हैं। फिर आ जाते हैं टार्सल्स के ऊपर, जो कि फुट में होते हैं, तो टोटल देयर आर सेवन टार्सल्स, और ये जो आपके पास है दीज आर मेटाटार्सल्स। तो टार्सल्स में देखें सबसे पहले तो कैल्सिनस बोन जो होती है, फिर टेलस होती है, फिर यहाँ से नेविकुलर, ये तीन बोन्स हो गई। फिर उसके बाद यही फोर्थ भी मीडियल क्यूनिफॉर्म, फिर फिफ्थ इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, फिर लेटरल क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड क्यूनिफॉर्म, ये क्यूनिफॉर्म्स हैं और ये इनके मेटाटार्सल्स, और यहाँ से फिर फ्लैंजेस होती हैं। टोटल बोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर है वो टोटल 206 बोन्स हैं। कैसे 206 हैं, सबसे पहले आप देखें एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 हैं। अब कैसे 80 के अंदर किस तरह की बन गई, हेड के अंदर देखें, हेड के अंदर 28 तो हेड की बोन्स हैं जी। 28 कैसे, 8 उसमें से हैं क्रेनियल बोन्स जो क्रेनियम बनाती है, 14 हो गई फेशियल बोन्स और 6 हो गए एयर ऑसिकल्स, यानी कि एक तरफ पे भी 6 दूसरे तरफ पे भी 6, एक तरफ पे भी 3 दूसरे तरफ पे भी 3। तो जो एयर ऑसिकल्स है उनके नाम होते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो ये जो तीन तीन बोन्स हैं ये हमारे पास हो गए हेड में। फिर टॉर्सो में देखा जाए, टॉर्सो में देखें 52 बोन्स होते हैं, जैसे कि 26 वर्टिब्री हैं, एक स्टर्नम, एक हाइड और 24 + 26 = 50, 51, 52। एक तो अपर एक्सट्रीमिटी है, अपर एक्सट्रीमिटी में आती है दो क्लेविकल, दो स्कैपुला, एक साइड में भी क्लेविकल और स्कैपुला, दूसरे साइड में भी क्लेविकल और स्कैपुला। तो फिर हिमेरस भी दो, यानी यहाँ पे से भी एक हिमेरस, यहाँ से भी एक हिमेरस, दो हिमेरस, इसी तरह दो रेडियस, दो अल्ना, फिर 16 कार्पल्स हैं, यानी 8 × 8 = 16, एक तरफ भी 8 दूसरी तरफ भी 8, 10 मेटाकार्पल्स, एक तरफ भी 5 दूसरी तरफ भी 5, और 28 फ्लैंजेस, यानी जो उंगलियां होती हैं 14 छोटे छोटे डिजिट्स हैं, तो 28 फ्लैंजेस हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई, तो 2 + 2 = 4, 6, 8, 10, फिर 16 और 26, फिर 36 + 28, तो 36 और 28 को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल बन जाता है 64।
अच्छा, फिर हम लोअर एक्सट्रीमिटी। अब लोअर एक्सट्रीमिटी की बात शुरू होती है हिप बोन से, जो कि हो गई टू, तो उसके बाद फीमर भी टू, टिबिया भी टू, फेबुला भी टू, पैटेला भी टू, पैटेला नी बोन होती है। फिर टार्सल्स जो है वो 14 होती है, मेटा टार्सल्स 10 है और फ्लैंजेस 28 है, तो ये टोटल बन जाती है 62। तो 62 प्लस 64 इक्वल टू 126। तो अगर आप देखें 126 को 80 को अगर आप प्लस में प्लस करते हैं, 126 प्लस 180 दैट मेक्स इट 206 बोन्स। तो इस तरह से 206 बोन्स हमारे अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, ये आपको बोन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि बोन इस तरह होती है कि एक तो बोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एपिफाइसिस जो दोनों तरफ होता है, बीच में होता है डायाफाइसिस। फिर बोन के अंदर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोन के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, और उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं एंडोस्टियम। फिर उसके बाद देखिए तो बोन के अंदर एक होती है स्पंजी बोन और एक होती है कॉम्पैक्ट बोन। तो ये जो आपके पास बिल्कुल डायाफाइसिस में आती है कॉम्पैक्ट बोन होती है, जिसके अंदर होता है बोन मैरो, जो हम कहते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो फैट सेल्स होते हैं, फैट्स होती हैं, जबकि रेड बोन मैरो जो होता है वो जो हमारे ब्लड सेल्स बनाते हैं वहां पे होती है स्पंजी बोन। ठीक है, और एंड पे बोन्स के एंड पे ना कार्टिलेजेस होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ बोन्स, पहले तो हमारे बोन की 5 टाइप्स हैं। पहले तो शॉर्ट बोन्स हैं, फिर लॉन्ग बोन्स हैं, फिर फ्लैट बोन्स हैं, फिर सेस्मॉइड बोन्स और फिर इररेगुलर शेप की बोन्स। तो बात करें फ्लैट बोन्स, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट हैं, जैसे कि स्टर्नम फ्लैट है, क्रैनियल बोन्स फ्लैट है, स्कैपुला फ्लैट है, रिब्स फ्लैट है। फिर लॉन्ग बोन्स में जो हमारे बॉडी की लंबी लंबी ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, टीपीएफ, फाइबुला, फीमर, ये सारे लॉन्ग बोन्स हो गए, फ्लैंजेस लॉन्ग बोन्स। फिर शॉर्ट बोन्स में टार्सल्स और कार्पल्स आती हैं। फिर इररेगुलर में देखिए, इररेगुलर जैसे वर्टिब्री है, सैक्रम है, ये बहुत इररेगुलर शेप की बोन्स हैं। और सेस्मॉइड में पैटेला जो कि नी बोन होती है, ये जो नी बोन है सेस्मॉइड बोन है पैटेला। तो यहाँ तक हमारा था, ये हमने जस्ट एक डिस्कस किया है स्केलेटल सिस्टम को। तो यहाँ तक बेसिक स्केलेटल सिस्टम का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जो एनाटॉमी का पार्ट था।